नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज अपन एक ऐसा इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के आए हैं जो अपनी PTET परीक्षा 16 सितंबर को होने वाली है। इस परीक्षा के लिए अपनी कितनी तैयारी है, यानी कि आपने कितना पढ़ रखा है, उन सब का आज हम रिविज़न करेंगे इस टेस्ट के माध्यम से। तो साथियों, यह एक टेस्ट पेपर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथियों, इस टेस्ट पेपर में हम 50 प्रश्न करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो साथियों, सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखना। देखने के बाद यदि आपको पसंद आता है सेशन तो लाइक करना, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। साथियों, आपका एक प्यारा सा लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ी ऊर्जा देता है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय जो अपने निजी चैनल से अंतरक्रिया संबंधी शैक्षणिक कार्यक्रम दर्शाता है, ये कार्यक्रम सब लिखा है दर्शाता है। तो साथियों, इसका सही आंसर है, देखिए आपके सामने, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि इग्नू एक ऐसा निजी चैनल के अंतरक्रिया संबंध दर्शाने वाला विश्वविद्यालय है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन लिखा है अपना कि आत्म संप्रेषण को कहते हैं, यानी कि आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं, संगठनात्मक संप्रेषण कहते हैं, अफवाह संप्रेषण कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं, या अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण कहते हैं। तो साथियों, इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण। तो साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहें या वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में से खुली किताब परीक्षा पद्धति की विशेषता क्या है, इनकी खुली किताब परीक्षा पद्धति उसकी क्या विशेषता है। तो देखिए साथ, ये पहला ऑप्शन है कि छात्र गंभीर रहते हैं, इसके कारण कक्षा में उपस्थिति बढ़ जाती है, यह छात्रों की परीक्षा संबंधी चिंता को कम करती है, यह छात्रों की परीक्षा संबंधी चिंता को कम करती है। साथियों, यह दो ऑप्शन प्रिंटिंग हो रखे हैं, कोई बात नहीं, यह छात्रों की चिंतन के लिए बाध्य करती है। तो सही आंसर है साथियों इसका वह है अपना ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यह छात्रों को, यह छात्रों की परीक्षा संबंधी चिंता को कम करती है। बिल्कुल साथियों, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर साथियों 4 नंबर क्वेश्चन है अपना कि अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है। अधोलिखित, यानी कि जो नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से अध्यापन कौशल किसमें है, श्यामपट लेखन में, प्रश्न करने में, समझाने में, या इन सभी में। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है कि इन सभी में अध्यापन कौशल है, श्यामपट लेखन में भी है, प्रश्न करने में भी है, समझाने में भी है। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक दायित्व किसका है, प्राथमिक दायित्व किसका है साथियों। तो देखिए, बालकों का, प्रिंसिपल का, स्वयं अध्यापक का, या समुदाय का। तो साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कि अध्यापक का समन्वय का प्राथमिक दायित्व खुद का होता है, स्वयं अध्यापक का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। 6 नंबर प्रश्न है साथियों कि शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है, शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, या कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि से। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा कि छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से शिक्षण की जो है वो गुणवत्ता प्रदर्शित होती है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि 7 नंबर प्रश्न है साथियों अपने सामने कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा सही है, इनकी कथन है, इन कथन में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है, पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का संलग्न अंग है,
पाठ्य विवरण उन सभी शिक्षण संस्थाओं का जो किसी विश्वविद्यालय विशेष संबंध है एक समान होता है। पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध महाविद्यालयों में एक समान नहीं होते हैं। तो देखिए साथियों, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है कि पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। तो पाठ्यक्रम एक पाठ्य विवरण का अभिन्न अंग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है। अनुदेशन सामग्री नहीं है, पहला है साथियों ओवरहेड प्रोजेक्ट, दूसरा है ऑडियो कैसेट, तीसरा है छपी सामग्री, चौथा है ट्रांसपेरेंसी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है ये अपना। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ओवरहेड प्रोजेक्ट। पाठ्य जो है ओवरहेड प्रोजेक्ट है साथियों, वो अनुदेशन सामग्री नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। तो 9 नंबर प्रश्न में साथियों लिखा हुआ, देखिए हमारा प्रश्न नंबर 9 है कि प्राचीन भारत के प्रथम भारतीय साहित्यकार थे। प्राचीन भारत के प्रथम भारतीय साहित्यकार कौन थे साथियों। तो देखिए इसका सही आंसर होगा, देखिए पहले आप ऑप्शन मैग्नसेन, फहान, फायान या वान या कलहन। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा मैग्नसेन साथियों, इसका सही आंसर है जो प्राचीन भारत के प्रथम भारतीय साहित्यकार थे, इतिहासकार थे सॉरी साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। तो साथियों 10 नंबर प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से किसे प्रेरणात्मक रूप से अभिव्यक्ति नहीं किया जा सकता। प्रेरणात्मक रूप से अभिव्यक्ति नहीं किया जा सकता, सामाजिक या आर्थिक सुधार, वैवाहिक स्थिति, संख्यात्मक अभिसमता या पेशेवर अभिवृत्ति। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा वैवाहिक स्थिति को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 11 नंबर साथियों प्रश्न है लिंग संबंधी विकास संसूचक में प्रमुख घटक क्या है। यानी कि लिंग संबंधी विकास के संसूचक में प्रमुख घटक क्या है। तो देखिए साथियों इसका सही आंसर, पहला देखो महिलाओं की प्रत्याशित आयु, वयस्क महिलाओं की साक्षरता और कुल नामांकन का अनुपात, प्रति महिला आय या उपरोक्त सभी। तो साथियों प्रश्न नंबर 11 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कि जो लिंग संबंधी विकास है उसका महिलाओं की प्रतिशत आयु, साक्षरता और कुल नामांकन और प्रति महिला आय, इनकी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो प्रश्न नंबर देखिए 12 नंबर साथियों प्रश्न है कि उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इनकी उच्च शिक्षा का स्तर होता है उसमें शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, नई जानकारी देना, व्याख्यान के दौरान पूछे गए प्रश्नों के लिए छात्रों को प्रेरित करना। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है कि निर्णय लेने की क्षमता विकास करना उस स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य होता है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 13 नंबर साथियों प्रश्न में लिखा हुआ है कि शोध की अवस्थाओं का सही क्रम है। पहला है इनकी आप कोई भी शोध कार्य, जैसे हम किसी भी क्षेत्र में शोध कार्य करते हैं उसकी सही क्रम क्या है। देखो पहला लिखा है समस्या का चयन, आंकड़ों का संग्रहण, प्रकल्पना का कथन या आंकड़ों का विश्लेषण। दूसरा लिखा है कि आंकड़ों का संग्रहण, समस्या का चयन, प्रकल्पना का कथन और आंकड़ों का विश्लेषण, या समस्या का चयन, प्रकल्पना कथन, आंकड़ों का संग्रहण और आंकड़ों का विश्लेषण। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है कि पहले समस्या का चयन किया जाता है, फिर परिकल्पना की जाती है, फिर आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है और उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो साथियों 14 नंबर क्वेश्चन है कि विचार विमर्श विधि का उपयोग किया जाता है जबकि प्रकरण बहुत कठिन हो, प्रकरण सरल हो, प्रकरण कठिन हो या उपरोक्त सभी। इनकी विचार विमर्श विधि है इसका प्रयोग कब किया जाता है। तो साथियों प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर होगा प्रकरण बहुत कठिन है तो भी करेंगे, प्रकरण सरल है तो भी हम विचार विमर्श का प्रयोग करते हैं, प्रकरण कठिन होता है नॉर्मल तो भी हम करते हैं। इनकी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न है साथियों कि अध्यापन की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। अध्यापन की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। देखिए, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, स्वाध्ययन विधि, टीम अध्यापन विधि। तो साथियों 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा वो जाएगा समस्या समाधान विधि है, जो अधिकतम ज्ञान के प्रयोग के लिए बहुत प्रोत्साहित करती है। समस्या समाधान यानी कोई समस्या आएगी उनका समाधान करने के लिए अधिकतम ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न है साथियों अपना, वो है कि निम्नलिखित दो विकल्पों में समझ के स्तर के अनुरूप कौन है। इनके हमने हमारे सामने दो विकल्प लिखे हैं, अपने को समझ के स्तर के अनुरूप बताना है। पहला है संज्ञा की व्याख्या, दूसरा है अपने शब्दों में संज्ञा की व्याख्या। तो साथियों प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर होगा कि अपने समझ की बात कर रहे हैं, तो मात्र जो दूसरा कथन है वो अपने समझ स्तर का होगा, इनकी ऑप्शन नंबर 2 मात्र दूसरा कथन। तो चलिए साथियों 16 नंबर प्रश्न का आंसर था 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर साथियों अपना है वो है 17 नंबर प्रश्न। तो 17 नंबर प्रश्न देखिए साथियों कि टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात है। साथियों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो फिक्स पूछा जाता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है जहां से मैंने उठाया है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात होता है साथियों 4:3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। तो देखिए साथियों 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है। एक अच्छे टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। पहला देखिए समय की पाबंदी और गंभीर्य, दूसरा है विषय में निपुणता, तीसरा है विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशील, चौथा है विषय में निपुणता और सामाजिकता। तो देखिए साथियों एक अच्छे अध्यापक का प्रमुख गुण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का साथियों सही आंसर होगा विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशील होना चाहिए अध्यापक। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर साथियों अपना है 19 नंबर प्रश्न पढ़िए कि फोटो बिल्डिंग का अर्थ क्या है। साथियों देखिए फोटो क्रॉपिंग, फोटो स्थापन, फोटो कटिंग या फोटो रंग का समायोजन। तो साथियों 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा फोटो बिल्डिंग का होगा कि फोटो कटिंग से होगा। बिल्कुल 19 नंबर का सही आंसर रहेगा 3। अगले साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो 20 नंबर प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से किसने भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थानों से अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र हस्ताक्षर किए हैं। इनकी निम्नलिखित में से किसने भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थान की, हम जो बीएड कॉलेज है, अध्यापक शिक्षा संस्थान से अधिस्वीकृति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए साथियों 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा NAAC और UGC ने। तो साथियों पहला ऑप्शन सही होगा NAAC और UGC ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इनके साथियों फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म हम आपके लिए और आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सारे के सारे इसके आंसर मिलेंगे, और नहीं तो फिर अगले वीडियो में आपको ऐसे ही और क्वेश्चन मिलते रहेंगे। साथियों प्रश्न आपको लगता होगा कि हल्के फुल्के होंगे, लेकिन साथियों 100% ऐसे प्रश्न मैंने उठाए हैं जो कि हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों आपके लिए। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 21 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि संचार की अंतर संबंधी श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है। तो देखिए साथियों 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा होगा संयोजी मीडिया। बिल्कुल आपका राइट आंसर है सभी का संयोजी मीडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 22। तो 22 नंबर प्रश्न है साथियों, तो 22 नंबर प्रश्न लिखा है कि एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार क्या है। इनकी शोध पत्र जो होता है शोध कार्य की रिपोर्ट होती है उसका प्रमुख आधार क्या है। केवल प्राथमिक आंकड़ा, केवल द्वितीय आंकड़ा, प्राथमिक और द्वितीय दोनों आंकड़े या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा
इनके एक शोध पत्र के जो होता है आधार और प्राथमिक और द्वितीय दोनों आंकड़े होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, काफी बार एग्जाम पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। तो देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 23 में हमें क्या कहा गया है कि अन्वेषणों ने यह दर्शाया है कि अध्यापकों के स्नायु तंत्र में अस्थिरता के प्राय लक्षण है, यानी कि अध्यापकों में स्नायु तंत्र में अस्थिरता के प्राप्य प्राय लक्षण क्या है? पाचन क्रिया का बिगड़ना, विस्फोटक व्यवहार, थकावट या चिंता। तो 23 नंबर प्रश्न का साथियों सही आंसर होगा वो होगा उस अध्यापक की थकावट, यानी जब अध्यापक के अंदर थकावट आ जाती है तो उनके स्नायु तंत्र में अस्थिरता के लक्षण दिखाई देते हैं। बिल्कुल साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सेशन के साथ बने रहें, सेशन को पूरा देखते रहें। आपको जब भी लगे तो आप अपना अमूल्य कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो प्रश्न नंबर साथियों 24 है अपने सामने कि एक चिकित्सक के ने डेंगू बुखार के दो औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया, उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा वर्णात्मक सर्वेक्षण के रूप में, प्रयोगात्मक शोध के रूप में, व्यक्तित्व अध्ययन के रूप में या निर्जति वर्णन के रूप में। तो साथियों, उसने डेंगू बुखार की दो औषधियों का सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन किया, तो इसका शोध साथियों प्रश्न नंबर 24 से अपना ये। तो 24 नंबर प्रश्न का साथियों सही आंसर है वह है प्रयोगात्मक शोध कार्य किया उसने, इनकी दो दवाइयों का अंतर किया, उन्होंने प्रयोग किया, तो उसका उस शोध वर्गीकृत होगा वो प्रयोगात्मक होगा। अगला साथियों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो 25 नंबर साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा का विशिष्ट परिशिष्ट है, पाठ्य चर्चा सभी शैक्षिक संस्था में समान रहती है, पाठ्य चर्चा में अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती है, पाठ्यचर्या में मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते हैं। तो साथियों 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा का विशिष्ट विषय है। बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है 25 नंबर का साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर साथियों 26 नंबर प्रश्न है अपना। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि संचार रणनीति बनाते समय पुनः निर्वेशन अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? श्रोता के द्वारा, संचारक के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा या संचार माध्यम के द्वारा? तो साथियों इसका सही आंसर होगा होगा श्रोता के द्वारा, 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर है साथियों अपना 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्वसनीयता वेदता को सुनिश्चित करती है, वेदता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है, विश्वसनीयता और वेदता एक दूसरे के स्वतंत्र है, विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठा पर निर्भर नहीं करती है। इनके चार कथन लिखे हुए हैं साथियों, अपना सही आंसर होगा वो होगा प्रश्न नंबर 27 का कि वेदता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। बिल्कुल यदि अपने काम में वेदता चाहिए तो हमारा विश्वास उसमें बढ़ेगा, तो वेदता एक ऐसी चीज विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 28। साथियों आपको कमेंट करके बताना है 28 नंबर प्रश्न का क्या आंसर रहेगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मात्र 30 सेकंड का समय है, यदि आप कमेंट करते हैं तो आपका नाम पहले लिया जाएगा। चलिए साथियों आपने 28 नंबर प्रश्न पढ़ देते हैं, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है? हवा मील का कार्यकारी प्रतिमान, टेप रिकॉर्डर, 16 mm फिल्म प्रोजेक्ट या उपयुक्त सभी? तो साथियों इसका 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर रहेगा वो रहेगा टेप रिकॉर्डर, एक शिक्षण सामग्री में आता है, बाकी ये शिक्षण सामग्री संबंधित नहीं है। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों 29 नंबर प्रश्न है अपना 29, विशेषज्ञों का ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में संबंधित वर्ग एक स्थान पर एक नए पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए एकत्रित हुआ, इस प्रक्रिया को कहा जाता है? तो साथियों 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपना कि विशेषज्ञों द्वारा विशिष्ट क्षेत्र में संबंधित वर्ग का एक स्थान का पाठ्यक्रम, तो साथियों अपना इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस। अगले साथियों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। तो 23 नंबर प्रश्न है साथियों आपका कि लोक संचार सहज हो जाता है किसके द्वारा? ज्यादा जटिल संरचना के अंदर,
ज्यादा राजनीतिक संरचना के अंदर, ज्यादा सुविधाजनक संरचना के अंदर, ज्यादा औपचारिक संरचना के अंदर। तो साथियों लोक संचार सहज कब हो जाता है, तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर है साथियों ज्यादा सुविधाजनक संरचना के अंदर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 31 है अपना, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। 31 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना है सही नहीं है बात कर रखी है। तो चार कथनों में से साथियों तीन कथन 100% सही है, एक कथन गलत होगा। तो देखिए पहला है कि तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, दूसरा देखा है ज्ञान का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है, व्याख्यान विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय रहते हैं। तो साथियों ये चौथा कथन सही है, तीसरा कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, पहला कथन साथियों गलत है, जिसका सही आंसर होगा कथन नंबर पहला जो कि सत्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न है साथियों आज अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्धारण है जो चिंता, रक्त कोशिकाओं की गणना, व्यक्तित्व, मस्तिष्क परिधि, इनमें से साथ ने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्धारण है, चिंता और व्यक्तित्व, रक्त कोशिकाओं की गणना और व्यक्तित्व, मस्तिष्क परिधि और चिंता, पर रक्त कोशिकाओं की गणना और मस्तिष्क परिधि। तो साथियों 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर है चिंता और व्यक्तित्व एक दूसरे का निर्धारण है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर साथियों 33 है अपना, 33 नंबर प्रश्न है कि सीसियोग्राम तकनीकी का प्रयोग किया जाता है व्यावसायिक रुचि के अध्ययन के लिए, पेशेवर क्षमता के अध्ययन के लिए, मानवीय संबंधों के अध्ययन के लिए, या उपलब्धि प्रेरणा के अध्ययन के लिए। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है उपलब्धि प्रेरणा के अध्ययन के लिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं साथियों, तो 34 नंबर प्रश्न है अपना कि अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या है, विद्यार्थी के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थी के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों में सर्वपक्षीय विकास की सहायता पहुंचाना, विद्यार्थियों के मूल्य पद्धति भरना। तो साथियों प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर रहेगा और 3 कि विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना अध्यापक का प्राथमिक कार्य होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर साथियों अपना 35, तो 35 नंबर प्रश्न में साथियों देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्य कुशलता जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशील सिद्ध होती है। साथियों देखिए इनमें अपने को चार कथन दे रखे हैं, प्रौद्योगिकी का ज्ञान, अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, विषय पर अधिकार। तो साथियों 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर रहेगा वो रहेगा 3, 4, 2, 3 और 4, यानी कि दूसरा कथन, तीसरा कथन और चौथा कथन बिल्कुल सही है। अगले 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, तो प्रश्न नंबर 36 है अपना कि किस भाषाई पत्रों का सबसे अधिक वितरण होता है, कि किस भाषाई पत्रों का सबसे अधिक वितरण होता है। तो साथियों प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर है अंग्रेजी भाषा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं साथियों आज अपन कि टीम अध्यापन में समता है, टीम अध्यापन में क्या समता है साथियों। तो देखिए 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर रहेगा प्रतियोगिता की भावना का विकास या सहयोग भावना का विकास, एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में आदत का विकास, एक दूसरे के अध्यापन हुए अंतराल का रेखांकित करना। तो 37 नंबर प्रश्न का साथियों सही आंसर रहेगा सहयोग विकास की भावना। अगला प्रश्न करते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 38 है अपना कि 38 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय कथन है। 38 नंबर प्रश्न देखिए साथियों, 38 नंबर लिखा है तो 38 नंबर में पहला ऑप्शन आपका यहाँ कट चुका है, कोई बात नहीं अलग। दूसरा देखिए, अधिकतर कक्षाएं आवश्यक अवसंधात्मक सुविधाओं के लैस नहीं होती है, ज्ञान गत्वोत्तर नहीं होता है, कक्षाओं में एक तरफा अंतर्व्यवहार हावी रहता है, इनकी निम्नलिखित में से कौन का एक विषय कथन है। तो साथियों इसका प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर रहेगा अपना वो रहेगा कि ज्ञान गत्वर नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 39 की ओर। तो साथियों प्रश्न नंबर 39 से याद अपना कि प्रभावी अध्यापक वह है
प्रभावी अध्यापक जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, जो कम समय में अधिक सूचना दे सकता है या आवंटित कार्यों का ध्यानपूर्वक संशोधन कर सकता है। तो साथियों 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर है, इनकी पहला ऑप्शन भी सही है, जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, दूसरा सेम है, तो दोनों ही इसके आंसर हैं कि जो कक्षा में नियंत्रण रख सकता है वो प्रभावी अध्यापक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 40 की ओर। तो 40 नंबर प्रश्न है साथियों अपना कि दृश्य प्रपंच शास्त्र फिनोमोलॉजी शब्द निम्नलिखित की प्रक्रिया से संबंधित है। इनकी फिनोमोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? गुणात्मक शोध से, प्रसंस्करण के विश्लेषण से, सहसंबंध की अध्ययन की, या स्वाभाविकता के परीक्षण की। तो साथियों अपना प्रश्न नंबर 40 है, इसका सही आंसर है साथियों गुणात्मक शोध की। चलिए ये प्रश्न नंबर 40 था, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न है साथियों अपना कि शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात आता है, क्या आता है साथियों? उद्देश्यों का कथन, आंकड़ों की व्याख्या, शोध उपकरण का चयन, या आंकड़ों को एकत्रित करना। तो 41 नंबर प्रश्न का साथियों सही आंसर होगा शोध उपकरण का चयन करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 42। तो 42 नंबर प्रश्न में साथियों एक फुल फॉर्म पूछी गई अपने को कि INSAT का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा अपना इंडियन नेशनल सैटेलाइट। चलिए साथियों अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। तो साथियों 43 नंबर प्रश्न है अपना कि माइक्रो इनकी सूक्ष्म अध्यापन अधिक प्रभावशाली है, माइक्रो टीचिंग कहते हैं इसे हम साथियों। तो माइक्रो टीचिंग अधिक प्रभावशाली क्यों है? अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान, अध्यापन अभ्यास के बाद, या प्रत्येक समय? इनकी माइक्रो टीचिंग कब अधिक प्रभावशाली रहती है? तो 44 नंबर साथियों प्रश्न का सही आंसर रहेगा अपना वो रहेगा, सॉरी साथियों 43 नंबर प्रश्न होगा अपना, इसका सही आंसर रहेगा अध्यापन अभ्यास के दौरान। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 44 के ओर कि अधोलिखित में से कौन व्यक्तित्व सही है? तो चलिए साथियों इनका सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपना कि संप्रेषण की सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए, संप्रेषण में सहन शक्ति होनी चाहिए, संप्रेषण मृदुभाषी होना चाहिए, या संप्रेषण व्यक्तित्व से दूर होना चाहिए। तो साथियों इसका सही आंसर है 44 नंबर प्रश्न का कि संप्रेषण मृदुभाषी होना चाहिए। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। तो साथियों 45 नंबर प्रश्न है कि अधोलिखित व्यक्तित्व में कौन सबसे अधिक तर्कसंगत है? साथियों इसका सही आंसर देखिए कि शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं, शिक्षक शिक्षार्थियों के ज्ञान प्राप्त करने की आशंका उत्पन्न कर सकते हैं, चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्या प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, शिक्षक पैदा होते हैं। तो साथियों इस 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर रहेगा हमारा, यानी कि इसका सही आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा कि शिक्षक शिक्षार्थियों के ज्ञान प्राप्त करने की आशंका उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है साथियों अपना वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? तो साथियों इसका है कि राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए, मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए, श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ, उपरोक्त सभी। तो साथियों 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 48 से अपने सामने कि वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली क्या है? वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली साथियों क्या है? तो देखिए रटत विद्या प्रोत्साहित करनी, प्रकरण सरल हो, प्रकरण कठिन हो, या उपरोक्त सभी? तो साथियों इसका साथियों सही आंसर होगा प्रकरण कठिन हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य साथियों क्या है? केवल तर्क शक्ति का विकास करना, केवल चिंतन का विकास करना, या अ या ब दोनों? तो साथियों इसका सही आंसर होगा अ और ब दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, तो अगला प्रश्न है अपना कि न्यूटन ने गति के नियम के 3 मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए, उनके इस शोध को वर्गीकृत किया जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा अपना वो रहेगा मूलभूत शोध के रूप में। अगला प्रश्न है साथियों अपना कि NCTE
के प्रतिमानों के अनुसार बीएड स्तर के एक यूनिट जिसमें 100 विद्यार्थी हो वहाँ स्टाफ की संख्या क्या होनी चाहिए। साथियों इसका आंसर रहेगा अपना वो रहेगा कि जहाँ 100 विद्यार्थी हो वहाँ 17 स्टाफ रहने चाहिए। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा आपको इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगले सेशन में हम रीजनिंग के इसी प्रकार के मॉडल इम्पोर्टेंट पेपर लेकर के आएंगे आपके लिए, जो बहुत जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो साथियों आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट के वीडियो हमने बना रखे हैं, कॉन्सेप्ट के वीडियो उनको आप देख सकते हैं, रीजनिंग के, राजस्थान जीके के और इसी प्रकार शिक्षण अभिसमताओं के भी वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं। चलिए साथियों आप सभी का प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।